Hello everyone, let's make this yummiest and super easiest tea cake which I made with a Nutella and only 3 ingredients you needed and the super softy cake will be in your mouth. तो चलें इस रेसिपी को आज हम स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे मैंने ना 3 एग्स ले लिए हैं, ठीक है ना। आपने रूम टेम्परेचर एग्स लेने हैं और क्वांटिटी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्स ले लिए हैं। अच्छे से मिक्सर की मदद से इसे फेंट लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और आपके पास अगर मिक्सर नहीं है तो आप इसे स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्स अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें 1.5 कप शुगर ऐड करेंगे, ठीक है ना। शुगर को भी मैं बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ज़रूरी ये है कि यहाँ पे सिर्फ हम 3 इंग्रेडिएंट्स लेंगे और यमी सा केक हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ न्यूटेला 1 टेबल स्पून न्यूटेला चॉकलेट ऐड की थी। अगर आप न्यूटेला को स्किप करना चाहते हैं सो एज यू विश। और यहाँ पे देखिए मैंने मैदा ऐड कर लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लावर तकरीबन 1.5 कप। अब मैंने पैन को ग्रीस कर इसमें बटर पेपर स्टिक कर दिया था और अब मैंने पूरा बैटर इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है ना। मेक श्योर कि बबल्स ना हो, आपने अच्छे से टैप कर लेना है बिफोर पुटिंग इन अवन। और 180 सेल्सियस पे तकरीबन 40 मिनट्स मैंने इसे बेक किया था एंड इट इज़ रेडी। सो लेट्स सी कि बैक साइड इसकी कैसी है और बिल्कुल प्रॉपर केक बेक हुआ है एज़ यू कैन सी। और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त केक था। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ़ यू हैव द गैस ओवन। और ये मैंने गैस ओवन में बनाया था और इलेक्ट्रिक ओवन में भी बन सकता है। इंशाल्लाह आई विल शो यू इन पॉट वेरी सून कि पॉट में किस तरह से आप केक बेक कर सकते हैं। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। गिव मी अ लाइक एंड इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।